गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। अच्छा वैसे स्कूल्स का किन किन का आ चुका बेटा खुलने का 1 तारीख से? सर हमारे तो कभी भी बुला लेते हैं। अच्छा चलो फिर तो अच्छा है। वैसे ओड इवन बुला रहे हैं कि भी मैं डायरेक्ट कर दिया कि सभी आ जाना? नहीं सर, टीचर बुलाते हैं 1-2 घंटे के लिए। अच्छा नहीं वैसे बुलाते हैं, बट वैसे बोल रहा हूँ रेगुलर स्कूल आपका 1 से बोला है शुरू के लिए? सर हमारे तो ओड इवन नहीं चलेगा क्योंकि सर रिपीट नहीं करते। अच्छा मतलब ओड इवन टाइप से होगा। सर बोलते तो है पर टीचर्स बार बार रिपीट नहीं करते तो रेगुलर ही जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और बेटा आईसीएसई वाले बच्चों को कुछ बोला है? अपडेट आई स्कूल से या नहीं, या ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे? नो सर। ओके मजे हो रखे हैं ना सर? अभी तक तो ऑनलाइन। अच्छा स्ट्रेंज सर ऑफिशियली तो हमें भी नहीं बोला अभी तक। नहीं बोलना चाहिए था ना, अब तो बेटा आ चुका है। और इवन जो आगे से जैसे इंफॉर्मेशन है मेरी, आज भी एक डॉक्टर है उनसे बातचीत हुई थी मेरी, तो उनका कहना है कि अभी तो होपफुली यदि कुछ बहुत ही डाइवर्स नहीं हो गया तो दे आर इवन प्लानिंग कि 6 to 8 भी अराउंड 15 से मे भी शुरू कर देंगे वो ऑन कार्ड से पूरा पूरा, मे भी 1 वीक बाद ही शुरू कर दे, 1-2 वीक का देख के। तो इतना जब जा रहा है तो लेट्स सी। अच्छा आप लोग बोल रहे थे सर बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ रही, वैसे वैक्सीन आना शुरू हो गई है बट अभी तक उतना वाइड स्केल पे नहीं होगा, धीरे धीरे होपफुली और डेवलपमेंट हो जाएगा। एनीवेज शुरू करते बेटा, पीसीएल 5 पे चर्चा हो गई थी पिछली क्लास में अपनी। थोड़ा सा देखो बेटा थ्योरिटिकल चैप्टर है, थोड़ा आपको साथ देना ही पड़ेगा, बड़ा चैप्टर है बट हम थोड़ा तो हैंडल कर पा रहे हैं इसको ढंग से। मेरे ख्याल से इतना दिक्कत नहीं आएगी, हम बेसिक लेवल पे इसको पढ़ेंगे तो आपको कभी इतनी ज़्यादा। चलिए बेटा आइए समझते हैं इस चीज़ को। अब हम बेटा देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। बोर्ड के लिए भी बेटा है बट कम्पिटिटिव के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है हमारा। तो बेटा वही आएगी जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वही चीज होती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगा तो आपका हाइपो वर्ड पहले आता है, ठीक है। जो मिडवे होता है उसमें आपके पास में एस एंड में आता है, मिडवे ऑक्सीडेशन नंबर जब जनरली होते हैं तो एस एंड में आता है, ये शुरू में आता है, दिस इज एट द एंड, ठीक है ना। इस तरह से बेटा आता है आपके पास में। इसी तरह जब हाई होता है, हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो आपके पास में बेटा हाइपर, हाइपो या मतलब एक आईसी एंड में आता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका बट फिर से रिपीट कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में सब जगह अप्लाई होगा दैट्स नॉट सर्टेन, बट स्टिल हमें काफ़ी कुछ बातें यहाँ से देखने को मिल जाती है। एक कुछ बातें बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, हालांकि बहुत कुछ एक पूरी टेबल देखेंगे अपन बट कुछ बात हमें ध्यान रखनी है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट। इन ऑक्सो एसिड्स ओनली हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन, डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन आर एसिडिक। मतलब बेटा हर कोई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, ऐसे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं केवल वो ऐसे होते हैं जो एसिडिटी दिखाते हैं या बेटा एसिडिक का काम करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एच अटैच विद फॉस्फोरस इज नॉट एसिडिक। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं अभी आप क्वेश्चंस बताएंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अभी, तो एक बार के लिए इसको लिखो फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। मैंने बेटा स्क्रीनशॉट ले रखा है बुक का,
जो हमें काम आएगा। अच्छा मैं वैसे तुम्हें लिखवा भी देता हूँ बेटा, वैसे तो आप देख सकते हो, बट ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो जेई ने पूछा हुआ था आप पुराने टाइम पे बेटा। आप देखोगे तो उन्होंने ऑर्डर पूछा था इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो H3PO4, उसके बाद में H3PO3 और उसके बाद में H3PO2, तीनों में तीन तीन हाइड्रोजन है, फिर ऐसा डिफरेंस क्यों, क्या लगता है ऑक्सीजन का डिफरेंस है बेटा? बॉन्ड्स का, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो कम है, फॉस्फोरस के साथ ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाता है, यहाँ और बढ़ जाता है बेटा। इनका स्ट्रक्चर जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो एग्जाम में कभी नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसे लगेगा तीनों में तीन तीन हाइड्रोजन है, सेम ही होना चाहिए, तीनों तीन तीन हाइड्रोजन जा सकते हैं, तो इस तरह से बेटा ध्यान रखने की बात है। नोट कर लो इसे बेटा, फिर आगे पेज पे चलते हैं। गन्ना आगे बढ़ूं मैं? जल्दी जल्दी बोले बेटा। यस चलिए सर। चलो बेटा, तो नेक्स्ट पे अब देखो, अपनी बुक की ही टेबल ली है मैंने एनसीईआरटी से ही। अब यहाँ पे बेटा कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बहुत सारा हो जाता है, इतना सब दिया हुआ है इसमें, क्या ये सारी चीज़ें हमें रटनी जैसी है, या क्या करें, कैसे इसको हैंडल करें, तो ये सारी चीज़ आती है। पहला तो हमें देखो इनके कुछ नेम दिए हुए बेटू, ऑक्सीडेशन नंबर तो आप सब निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसी चीज़ है जो आपको अलग से याद रखने की नीड नहीं है। अदर देन दिस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या ये रटना है 1POH बॉन्ड, नहीं, इनके स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये जो सीरीज है ये वाला, ये हमें याद रखने की नीड नहीं है, ये हमें मगअप करने की नीड नहीं है, हमें याद नहीं करना है। प्रिपरेशन की बात करें तो क्या प्रिपरेशन याद रखनी है, तो अगेन प्रिपरेशन भी सेकेंडरी टास्क है इसका, द प्रिपरेशन ऑल्सो ऑन सेकेंडरी प्रायोरिटी। तुम्हें पहले और सब चीज़ें करनी है फिर इस चीज पे जाना है, और सब चीज़ें याद नहीं होती है तो यहाँ बिना काम फंसने की नीड नहीं है हमें बिल्कुल भी, पहले और चीज़ों को फोकस करेंगे। तो सर अब कैसे करें इस चीज़ को, तो देखो बेटा आइए समझते हैं धीरे धीरे। द फर्स्ट वन इज हाइपोफॉस्फोरस, तो बेटा देखो सबसे कम ऑक्सीडेशन है तो हाइपो वर्ड यूज हो रहा है, H3PO2, H3PO2 में इसका ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस का +1, उसके अगला वाला आ रहा है बेटा ऑर्थो फॉस्फोरस, हाइपो के बाद ऑर्थो फॉस्फोरस, H3PO3 +3 है अगेन बेटा, इसका ही तुम देखोगे तो इसी के एक तरह से अलग तरह की फॉर्म है जो +3 में ही बनती है, पाइरोफॉस्फोरस एसिड। ध्यान कौन कौन से रखने हैं मैं ये भी बताते चलता हूँ, तो ये ध्यान रखो ये ध्यान रखो। उसके बाद में बेटा बात करें तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, अब नेम से सबके इतना कुछ कर नहीं सकता, मे बी H4P2O6 को ऐसा कोई खास लॉजिक भी नहीं है, बस ये बता सकते हैं हाइयर में बेटा एक लगता है, तो देखो एक शुरू हो गया, अब हाई में भी ये थोड़ा लो है हाई वालों में, तो एक के साथ हाइपो यूज कर दिया, हाई में बेटा ये आपका थोड़ा सा इससे हाई है तो ऑर्थो वर्ड यूज कर लिया, देखो ऑर्थो वर्ड एक्स्ट्रा यूज आ रहा है यहाँ पे, और उससे सेम में यदि इसमें नंबर ज्यादा है तो पायरो वर्ड यूज हो रहा है। सो ट्रूली स्पीकिंग देर इज नॉट ए मच टू से, थोड़ा याद ही रखने के बेसिस पे है ये, एक ये वाला, ये तीन तो टिप्स पे होने ही होने चाहिए।
आपके ये तीनों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों हमारी टिप्स पे होने चाहिए, +1, +3, +5। उसके अलावा होना हो वो बाद की बात है, बट ये तीन तो मस्ट है बेटा जो टिप्स पे होने चाहिए। दिस इज अ पॉलीमरिक फॉर्म, ये बेटा पॉलीमर होता है आपका। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं एक बार इनके देखते हैं, जो मेन मेन स्ट्रक्चर्स है। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम नॉर्मल ध्यान रखो, ये स्ट्रक्चर हो सके तो दिमाग में रखने हैं तुम्हें, हमें लगभग सारी ही। सो H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बेटा ध्यान से देखो, पी डबल बॉन्ड OH OH OH, तो इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन हुए बताओ जरा। AH को हम लिख रहे हैं बेटा एसिडिक हाइड्रोजन, इन AH स्टैंड्स फॉर इसी तरह बेटा आपसे पूछा जाए H4P2O7 पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये बहुत सारा बड़ा वाला एसिड है, ये देखो H4P2O7। ध्यान से देखेंगे बेटा तो इसमें ऑक्सीजन ब्रिजिंग एजेंट का काम करता है, ये एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग एजेंट का काम करता है। मतलब ब्रिज कर रहा है दो लोगों को। यहाँ पे कितने एसिड हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, इस कंपाउंड में फोर एसिड हाइड्रोजन, बिल्कुल। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर सकता है। H3PO3 बेटा धोखा तो लगता है कि सर तीन ही हाइड्रोजन है, बट तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। यू कैन क्लियरली सी दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक, दिस इज नॉट एसिडिक, ये बेटा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इस कंपाउंड में आपके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। यहां पे बात करें तो देखो ये और ये दोनों एसिडिक नहीं है, तो केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन आया था वो किस बेसिस पे था। H3PO4 इज मोर एसिडिक देन H3PO3 देन H3PO2। कोई तुमसे पूछे बेटा इनकी बेसिसिटी कितनी है, तो आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप बेसिसिटी इजीली बता सकते हो कि इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी तीन है, इसकी चार है, इस तरह से। डन ना? यस सर। समझ आती है बात हमें? चलिए कैसे, तो बेटा देखो इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, स्ट्रक्चर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे बनाने के लिए देखा जाए तो थोड़ा लॉजिक तो लग जाता है, कैसे आप ध्यान से देखोगे तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल H4P2O7 को ही देखो, आपको पता है दो फॉस्फोरस आने हैं और 7 हाई ऑक्सीजन आने हैं। बेटा एक बात तो सर्टेनिटी है कि दोनों फॉस्फोरस पे जो ऑक्सीजन डिवाइड होंगे वो तीन तीन ही होंगे, एक ऑड ऑक्सीजन है तो ये बीच में जाके चिपकेगा, तो ऐसे क्या हमें हिंट लग जाता है। उसी तरह बेटा सेकंड वाला जैसे मैं देखो H4P2O6, इसका स्ट्रक्चर बन ड्रॉ किया है कि इन्होंने नहीं, तो H4P2O6 का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस आपस में जुड़ेंगे, ऑक्सीजन बीच में नहीं जुड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो बेटा जैसे दो फॉस्फोरस को आपस में जोड़ दो पहले, तो अब तीन तीन तो ऑक्सीजन है, चार हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा बताओ। यहाँ देखिए बेटा सिंपल सी बात है ना, फॉस्फोरस देखो 2, 3, 4, 5 तक बॉन्ड बना रहा है, तो 5 बॉन्ड जनरली बना सकता है, एक्सपेंड कर सके ऑक्टेट तो भी, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन ले जाएंगे, तो सिंपली 4 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो अपने ऐसे, इस पे भी और इस पे भी ऐसा कर लेते हैं अपन। अब बेटा देखो सिचुएशन क्या बची है, अब हमारे बॉन्ड बनाने की जगह बच रही है क्या, 1, 2, 3, हाँ 2 बॉन्ड बच रहा है और 2 बॉन्ड बच रहा है, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। क्या सारा बन गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 फॉस्फोरस हो गए और सारी चीज़ें भी सेटिस्फाई होगी, 2, 3, 4, 5 इसके 5 बॉन्ड, इसके 5 बॉन्ड और सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया। देख लो ऑक्सीजन के भी 2-2 बॉन्ड बन गया, आई बात समझ में। Yes, sir. तो अब देखा जाए तो बेटा ये स्ट्रक्चर बुक ने नहीं दिया, बट पूछ सकता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है ऐसी चीज, तो वो हमें आनी चाहिए। बना दिया लो स्ट्रक्चर। इसी तरह बेटा ये ओड हाइड्रोजन देखो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये इनको बीच में ज्वाइन करवा देगा 2 पी को, तो उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा H4P2O7।
इस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर। अब तो खैर हट गया, बट हम पहले बेटा दो स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करते इस चैप्टर से, आपके दो स्ट्रक्चर बनाने के क्वेश्चन आते थे, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ दैट। तो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। आपसे स्ट्रक्चर बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे बेटा? अब ऑब्जेक्टिव में वो पूछ देंगे आपसे व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3, तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन है उसमें, वो दो से बेटा रिएक्ट कर सकता है। आपके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ब्रीजिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया जैसे, तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। यहाँ पे द पीओपी बॉन्ड एग्जिस्ट, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, पीओपी बॉन्ड एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पीओपी ये बॉन्ड आपका केवल एक कम यहाँ पे, या तो इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा H3HPO3 होलेन, या फिर ये पॉलीमर जो है, तो इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं पीओपी बॉन्ड्स, तो इन तीन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी किसी में नहीं है। तो उनको चार ऑप्शन बनाने होंगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे बेटा, कोई भी एक जिसमें एग्जिस्ट करता है दे देंगे, और नहीं करता वो दे देंगे। पीओपी बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा करके बना देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन इजी वे में, मतलब पी ब्लॉक से मुझे लगता है हमें 100% स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने इनके बता दिया किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास में, ये एग्जिस्ट करता है नहीं, इसका क्या, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, इसके वैल्यू बॉन्ड्स कितने बनेंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड बेटा इजी। गुड टू गो? यस सर। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी डी चलिए ड्रॉ कर लेंगे। नहीं अभी ड्रॉ मत करो बेटा, टाइम खराब हो जाएगा बहुत सारा। आप इनके स्ट्रक्चर्स को जो है आप प्रैक्टिस करना, बट नोट्स भी मैं अपलोड करूंगा, बुक में भी है ये सारी बातें जो मैंने बताई। अल्फा बेटा एसिडिक हाइड्रोजन देखना, अल्फा नाम आता है बार बार, और पीओपी बॉन्ड किन में है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मेनी पीओएच बॉन्ड एग्जिस्ट इन H3PO2, तो आंसर हो गया 1। इस तरह के क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं जो हमें याद रखना है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा हमारा ग्रुप 15 डन, नेक्स्ट इज ओवर ग्रुप 16। तो कहानी शुरू होगी ग्रुप 16 से, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अब कुछ तो वही जनरल बातें होगी इनकी, है ना, तो जो हमें ध्यान में रखने की होती है। कुछ कुछ चीजें बेटा फटाफट क्विकली करते हैं, कौन कौन एलिमेंट आते हैं यहाँ पे। अरे बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, सिलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स बेटा आपके किसमें आ जाएंगे, ऑक्सीजन ग्रुप्स में आ जाएंगे। तो एक तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। बेटा देखो ऑक्सीजन तो हमारे एटमोसफियर में ही बहुत ज्यादा अवेलेबल है, अर्थ क्रस्ट में भी है। इसमें बेटा हमारी बुक में सल्फर की एग्जिस्टिंग के लिए बहुत सारे ओर्स के नेम दिए हुए हैं, तो वो ओर्स के नाम लिख रहा हूँ, हो सके तो हमें उन्हें याद रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक ओर्स के, फेमस फेमस नाम्स बता रहा हूँ बेटा। जिप्सम CaSO4.2H2O, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट हो जाता है बेटा आपका MgSO4.7H2O, बेराइट, ये आसान है, BaSO4, गेलेना। से बेटा आते हैं इसमें मेटलर्जी, बट मेटलर्जी जैसे केवल ICS में भी थोड़ा ही बचा और ICBS में तो हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे ये जो पार्ट है जो मेटलर्जी फेन टीचर्स होते हैं वो इस चैप्टर के बेसिस पे एक आध सवाल पूछ सकते हैं। गेलेना क्या होता है बेटा? PbS, ठीक है ना, ये फेमस नाम लिख रहा हूँ, बहुत फेमस है ये कंपाउंड, ये ओर्स जो है जिंक ब्लेंड के आए सी आए,
ZNS लास्ट एंड फाइनल कॉपर पाइराइट CuFeH2। तो अब इन पे आप ये क्लेम नहीं उठा सकते कि अरे ये तो मेटलर्जी पूछ दी, नहीं, वो बोलेंगे भाई पी ग्लोब का पार्ट है और ये घटा भी नहीं था। तो ऐसी चीजें हमसे पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली इन सबसे सल्फर मिलता है हमें, बट अगेन ये नाम बेटा स्पेसिफिकली बुक में हाईलाइटेड फिशन में दिए हुए एनसीईआरटी में, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हार्ड फास्ट रट्टा भी नहीं मारे तो हम थोड़ा सा तो ध्यान रखें कि कौन सा क्या है, एक रफ आइडिया होना चाहिए इनका, है ना। आगे चल लो बेटा। अच्छा बताओ, अगेन वही बात, कोई आपसे पूछे कि इनको ग्रुप 16 के एलिमेंट क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों है, कैसे क्लेम कर सकते हो सारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, तो क्या बताएंगे बताओ। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई बेटा। तो ऑक्सीजन की बात करूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, नहीं 2p4, सही बोला ना मैं। सल्फर बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसी तरह बेटा सेलिनियम 34, ठीक है लेट्स लीव इट अबाउट इट, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा जाएगा दो से ही समझ लो बेटा। आप देख सकते हो कि ये सेकंड रो और ये थर्ड पीरियड का है तो 3, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा NH2NP4 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो N कौन से पीरियड का एलिमेंट है उसके हिसाब से आएगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं सारों का एंड कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसलिए सेम पीरियड और पी ब्लॉक, सिंस पी ब्लॉक पे एंड हो रहा है इसलिए पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, आगे देखो कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी फटाफट फटाफट देख लेते हैं। एटॉमिक साइज या आयनिक साइज सेम ही बात है, तो सबको पता है बेटा डाउन द ग्रुप आयनिक साइज क्या होगी, डाउन द ग्रुप जो होगे तो इंक्रीज होगी ऑब्वियस सी बात है, और आस पड़ोस वालों से तो तुम्हें ऑब्वियस सी चीज है कि हमें आइडिया है ये बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आयोनाइजेशन इनथैल्पी, आयनाइजेशन इनथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें बेटा, तो पहली बात तो डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। बट इसकी एक खास बात है बेटा, क्या बात है बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स, दिस ग्रुप एलिमेंट्स इज लोअर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। मतलब बेटा वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी बट इनकी लोअर होती है, ऐसा क्यों, क्या कारण था इसका। बेटा पिछला पी ब्लॉक बताया तब भी बताया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, सो ड्यू टू द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, पी जो 15 ग्रुप था बेटा उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इस वजह से ऐसा होता है। तो फटाफट बेटा इसको राइट डाउन करो जितना भी लिखा, फिर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट फटाफट। तो बेटा होपफुली हम ऑफलाइन मिलने से पहले चैप्टर खत्म कर लेंगे, क्योंकि हमें अगली वीक एक क्लास और मिल जाएगी तो हो जाएगा ये चैप्टर ओवर अपना, एटलीस्ट 90% तो ही जाएगा, जैसे पूरा ही हो जाएगा बट लेट्स सी क्या रहता है। तो
वो अच्छी चीज रहेगी। फिर बस हमें मेनली दो चैप्टर और देखने रहेंगे मेन, तो एक बायोमोलिक्यूल्स और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा पढ़ेंगे हम, फिर हमारा वापस से उस पे आ जाएंगे। गुड हो गया बेटा ये। हाँ यस सर। आगे चलाते हैं कहानी को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या कहना है? सर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। मैंने बताया था बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मैग्नीट्यूड कम होगा और लेफ्ट जाते हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है और वैसे वैल्यू वाइज घटती है। पर बेटा यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है हमारा। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? कि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन के लिए छोटे हाँ से बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इज लेस नेगेटिव, इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सल्फर। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी लेस नेगेटिव होती है। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी ऑफ सल्फर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ये खास बात होती है बेटा, अदरवाइज क्या होना चाहिए, नीचे जाने पे मैग्नीट्यूड घटता ही है बट आपका सल्फर का ज्यादा हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। सल्फर की ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसका क्या कारण है, वही एनोलमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड घटता जाता है आफ्टर सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड डिक्रीज। तो बेटा मैग्नीट्यूड कम होता है तो मतलब नेगेटिव वैल्यू भी कम हो रही है इस तरह से। ठीक है बेटा समझ आता है हमें। यहां पे एक स्टेटमेंट बेटा एक हमें ध्यान रखना होता है, ऑक्सीजन हैज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो फर्स्ट हाईएस्ट किसकी होती है? सॉरी आफ्टर फ्लोरीन, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाईएस्ट आपकी फ्लोरीन की होती है, समझ पा रहे हैं हम बात को? द एलिमेंट विच इज हैविंग फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द फ्लोरीन। बेटा नोट डाउन कर लो इसको, इतना जितना बताया उतना फटाफट फटाफट से।
फ्लोरीन हाईएस्ट होता है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख ले इसके, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का आपने। यस सुनो बेटा आगे चलूं मैं, चलिए यस तो नेक्स्ट देखे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा पहले तो एक नॉर्मल सी बात बेटा आप बताए मुझे, मैं पूछू इनके ऑक्सीडेशन रेंज कहाँ से कहाँ तक हो। अच्छा वो केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑक्सीजन एंड सल्फर की बात करूँ मुझे पहले लिख देना चाहिए था वैसे। ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल, ठीक है बेटा। सिलेनियम एंड टेल्यूरियम आपके मेटालॉइड हैं, जैसे पिछले बार लिखा था। और पोलोनियम जो है वो मेटल रहता है, ठीक है। आई होप ये आपको ऑलरेडी भी पता है बेटा। अच्छा एक और बात बेटा, पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव भी होता है, मेटल भी है रेडियो एक्टिव भी है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, इसकी हाफ लाइफ होती है लगभग लगभग 13.8 डेज, तो बहुत छोटी हाफ लाइफ है इसकी। एनीवे शायद ये पूछा तो नहीं जाएगा, पर थोड़ा सा ध्यान रह जाए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इतना याद रह जाए, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। ठीक है और क्या खास बात है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द लो, इंक्रीज डाउन द लो, ये ध्यान रखनी है बेटा। एंड बेटा क्वेश्चन आता है कभी कभी हमारे, व्हाई सल्फर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज इवन कंपेयर टू बेटा वेरी हाई, यहाँ लिख लो, ठीक है। लार्ज डिफरेंस होता है बेटा इनमें एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्या वजह होती है इसकी? पॉलियोटॉमिक होता है ना। हाँ बहुत अच्छा, और तो कैसे आंसर कर सकते हो? तो तुम्हें शेप पता है क्या सल्फर की? क्राउन शेप होती है। यस सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पहले सॉल्यूशन देखें बेटा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एस सल्फर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सल्फर एग्जिस्ट एज एस एट मोलिक्यूल पॉलीएटॉमिक, बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ओ टू डाई एटॉमिक। तो बेटा वहां पे 8 है एक साथ मिलके रहते हैं सल्फर मॉलिक्यूल्स में, इसलिए ऐसा होता है कि आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इनमें। समझ आ गई बात हमारे पास। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बेटा क्यों लार्ज डिफरेंस होता है, क्यों हाई होते हैं, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आप फटाफट से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ के इसके शेप पे बात करते हैं सल्फर। यस सर। देखो बेटा सल्फर जो होता है इसकी क्राउन शेप होती है, वैसे आगे आएगा बट मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बेटा बनाते कैसे हम, डब्लू की तरह बनाते हैं। देखो ऐसे एकदम डब्लू बनाना होता है, सीखना जैसे कैसे बना रहा हूँ ध्यान से देखना। ठीक है चले, थोड़ा ये डिफरेंस कम रह गया बट आप समझ गए होंगे, ड्राइंग मेरी बेकार ही है। बेटा देखो कहाँ कहाँ एलिमेंट होता है, यहाँ ये एक मुकुट टाइप से लगता है ना, मुकुट टाइप से, इसलिए इसको क्राउन बोलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इस तरह से बेटा ऐसी शेप में एग्जिस्ट करता है, क्राउन शेप में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द वे द शेप ऑफ सल्फर एग्जिस्ट, और सल्फर एसेट में क्राउन शेप बनाता है। आ गया समझ में? यस सर। गुड, चलो बेटू आगे चले। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज पे चर्चा करें फटाफट से। देखो अरे वो तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। चमत्कार चल रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिएक्टिविटी। चलिए बेटा तो सबसे पहले तो बताओ कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था। यस सर, 18 माइनस एन। 16th ग्रुप पर तो बेटा आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं -2 से +6 पर। इनकी मतलब कैपेबिलिटी कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की, -2 से +6 तक की। आ रहा है समझ में बेटा? N-10 to 18-N ऐसा, मतलब N-18 ऐसा कुछ बताया था तुम्हें, है ना? हाँ, ऐसा फॉर्मूला दिया था तो उससे हम समझ सकते हैं -2 से +6 आपके इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए yes, हमारे पास में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता है बेटा, बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं। -2 ऑक्सीडेशन जो स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप।
तो हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये क्या लिख दिया मैंने, डाउन द ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टेबल यदि माइनस टू की बात करूंगा तो आपका कौन सा एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स बेटा, ठीक है ना। ठीक है, ऑक्सीजन बेटा कभी भी पॉजिटिव कंपाउंड नहीं बनाता अदर देन विद फ्लोरीन, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड्स इन ओनली माइनस टू स्टेट, ठीक है। एक्सेप्शन इसका क्या है, एक्सेप्शन आपके होते हैं बेटा फ्लोरीन कंपाउंड्स विद फ्लोरीन, ठीक है बेटा, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स होते हैं इसका एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल OF2, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्लस टू स्टेट है, ये फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केवल फ्लोरीन है, तो केवल फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो इससे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन खींच सके। समझ आ रहा है हमको? यस, ठीक है। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप क्या होता है बेटा, प्लस फोर और प्लस सिक्स ज्यादा शो करते हैं, अदर एलिमेंट्स प्रिफर प्लस फोर एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर। अदर एलिमेंट्स के बेटा प्लस फोर और प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, स्टेबिलिटी की बात करें तो प्लस फोर की इंक्रीज करती है, प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। एक ये ध्यान रखेंगे तो बेटा माइनस टू की डिक्रीज करती है, प्लस सिक्स की डिक्रीज करती है, और प्लस फोर की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता होगा प्लस सिक्स क्यों डिक्रीज करता है? यूनिट पेयर इफेक्ट। हाँ आंसर तो यूनिट पेयर इफेक्ट है। होता क्या है ये? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द NF ऑर्बिटल। क्या बेटा? बेटा देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, डिटेल में मैं इसमें पूरा बेटा आपको बताऊंगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मतलब छोटा सा ही है बेटा, एंड में मैं आपको समझाऊंगा इस पर, क्योंकि थोड़ा टाइम देंगे इस टॉपिक को। एक्चुअल क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ बेटा, जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाती है ना, साइज बढ़ती है, तो बेटा इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या जो आप एस ऑर्बिटल चले जाओगे पी ऑर्बिटल, उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब साइज बड़ा होता है तो, क्योंकि तुम्हें पता होगा बेटा एस इज मोर नियरर, एस ऑर्बिटल्स आर मोर नियरर टू द न्यूक्लियस, उसके बाद पी ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन पावर होती है, याद है कुछ ऐसा कभी पढ़ा हुआ? एस ऑर्बिटल्स बहुत होते हैं, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो बेटा जब साइज बहुत बढ़ती जाती है तो इनर ऑर्बिटल्स या जो एस पी वगैरह है इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके चलते हुए केवल आउटर इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट लेते हैं, तो उस चक्कर से बेटा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है, इसलिए इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। एनीवेज कि आपके इनर्ट हो जाते हैं इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो रिएक्शन में पार्ट उतना नहीं ले पाते हैं, तो उस बेसिस पे होता है, तो इस पर बड़ी चर्चा करेंगे, डू नॉट वरी। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, वैसे तो आएगा वन वर्ड इस बार कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, होता क्या है इस पर बड़ी चर्चा बाद में करेंगे, वैसे थोड़ा बहुत भी समझ आया तो फाइन, जल्दी से कंप्लीट करें इसे।
इट डन? यस सर। जल्दी से कंप्लीट करो, देखो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अरे ये क्या हुआ, एंड ऑफ स्लाइड्स कैसे आ गया? एक सेकंड बेटा, मुझे स्लाइड्स इंसर्ट करनी पड़ेगी। आई होप स्क्रीन वापस से विजिबल हो गई है आप बच्चों को। यस सर। नेक्स्ट इन लाइन, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आपके पास में आ जाता है एनोलमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। बट इसमें अब मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखाऊंगा, सब पुराने टॉपिक से रिपीट होते हैं जो आपको पिछली बार बताया था। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बेटा कुछ नया नहीं आएगा, वही रिपीट फोर टॉपिक्स फ्रॉम नाइट्रोजन, वही सब स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इन थेल, हाई आयनाइजेशन एनर्जी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अनेबल टू फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, सारे चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे चिपकाने हैं, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं, ठीक है चलेगा, इतना ही काफी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ये सेम आता है बेटा, सी मैंने इसीलिए वो करवाया कि लगभग सेम ही पॉइंट्स रहते हैं। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो बेटा रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन में हम बात करें तो वैसे ही मैं सिखाऊंगा जैसे पहले सिखाया था बेटा, कोई भी एलिमेंट ग्रुप का प्लस एच बेटा जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं H2E, ठीक है ना? ये कंपाउंड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत ही कॉमन ऑक्सीजन प्लस H2O, तो ये कंपाउंड सब तरह के बनते हैं बेटा, सारे कंपाउंड्स आपके बनते हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऑर्डर जो याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो आपका H2O की प्लस टू में आपको पता है नीचे की तरफ स्टेबिलिटी घटती है, तो H2O के बाद में क्या आएगा, H2S, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2TE और उसके बाद बेटा H2Polonium। इसी के अगेंस्ट यदि एसिडिक बिहेवियर की बात करूँ तो बेटा तुम्हें पता है कि एसिडिक बिहेवियर की हम चर्चा करें स्ट्रेंथ की, तो मेटल्स आर मोर एसिडिक, ऑब्वियसली मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो इस पे तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। H2O इज मोर एसिडिक देन H2TE, दिस इज मोर एसिडिक देन H2SE, दिस इज मोर एसिडिक देन H2S एंड दिस इज मोर एसिडिक देन H2, तो ये कहानी एसिडिक स्ट्रेंथ की हो जाएगी। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी से।
लिख लिया बेटा। बैलेंसिंग तुम कर ही सकते हो, बैलेंसिंग नहीं की है मैंने, है ना। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ बेटा। नेक्स्ट देखो आप, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो बेटा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की हम जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, ई प्लस ओ टू। तो आपका बेटा यहाँ पे बनेगा ईओ टू। तो एक ऑक्साइड तो बनता है ईओ टू टाइप का, जहाँ पे बेटा ई सब तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन दिस रिएक्शन ई कैन बी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, सब हो सकते हैं यहाँ पे। बट सेकंड जो क्लास ऑफ रिएक्शन है एलिमेंट प्लस ओ टू, यहाँ पे बनता है बेटा ईओ थ्री। अब इस केस में आपको ऑक्सीजन नहीं आता, क्या वजह है कौन बताएगा? सर क्योंकि वो सिर्फ प्लस माइनस टू शो करता है। हाँ नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, माइनस टू तो ही, यहाँ पे ईओ थ्री की बात करूंगा तो ओ फोर बेटा ऑक्सीजन के चार बॉन्ड इस तरह से नहीं जाएंगे, है ना, बात समझ रहे हैं हम। यहाँ ओ थ्री फिर भी बन जाता है, बाकी ओ फोर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ओ को ओ से मिलाऊंगा तो ओ फोर नहीं बन पाता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन के साथ में ये वाली रिएक्शन नहीं आती है बेटा, तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे। अब इनके चाहे जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपके सामने यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखो जरा एस प्लस ओ टू, तो बेटा एस ओ टू बनता है और इसी से एस ओ थ्री भी बनता है, बैलेंसिंग करने के बस दरकरार है, एस ओ थ्री भी बनता है, तो दोनों तरह से एग्जिस्ट करते हैं बेटा, एस प्लस ओ टू एस ओ टू, एस प्लस ओ टू एस ओ थ्री, बस बैलेंसिंग का फर्क है। तो बैलेंसिंग आई होप हम कर ही सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। लो मैं कर थ्री थ्री नहीं टू, आई होप सही कर रहा हूँ, यहाँ पे तो करना ही नहीं है, खत्म। तो नोट डाउन करो इन दोनों चीजों को फटाक से। अच्छे एसिडिक होते हैं नेचर में बेटा, तुम्हें पता ही है, और ये सब मैं पिछली बार ही लिखा चुका हूँ तुम्हें, बेसिक नॉलेज। बताओ SO2 और SO3 में से कौन ज्यादा एसिडिक है? SO3। क्या लॉजिक था? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, तो वो सब मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए बार बार वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, आपस में कंपेरिजन करना तुम्हें आना चाहिए बेसिक, आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा एसिडिक नेचर, एज सिंपल एज दैट। डन, चलो एक लाइन और लिखेंगे बेटा, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बेटा रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करता है, इवन टी यू टू बिहेव
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूसिंग नेचर तो बहुत कम हो गया, तो टी ओ टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने लगता है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट कैटेगरी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। बेटा हमने ऑक्सीजन देखी, हाइड्रोजन देख ली, अब हेलोजन्स की बात करते हैं। बेटा यहाँ पे बहुत वैरायटी मिलती है, बहुत जबरदस्त वैरायटी। ई प्लस एक्स, आप कोई भी एक्स टू ले लो जैसे आपके एलिमेंट्स के साथ में, तो यहाँ पे आपको बेटा हर तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। आपको ई एक्स टू टाइप भी मिलेंगे, ई एक्स फोर टाइप भी मिलेंगे और ई एक्स सिक्स टाइप भी मिलेंगे। ये वेराइटी जो कंपाउंड देखने को मिलते हैं और सारे एलिमेंट्स के, सब एलिमेंट्स के कंपाउंड बनते हैं बेटा यहाँ पे एक्सेप्ट ओ एफ सिक्स, एक्सेप्ट ओ एफ सिक्स मतलब ऑक्सीजन के नहीं मिलते। ऑक्सीजन सिक्स में क्यों नहीं जाएगा, वजह क्या है? ऑक्सीजन ओ एफ सिक्स क्यों नहीं बनता, एस एफ सिक्स बनता है, ओ एफ सिक्स नहीं बनता, क्यों? मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। एस एफ सिक्स एग्जिस्ट वाइल OF6 do not exist. डी ऑर्बिटल नहीं होते और वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना? तो आपका ये तो एग्जिस्ट करता है बट ये नहीं करता, वही सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ना डी ऑर्बिटल्स नॉट अवेलेबल, या फिर एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो वही जो आपका पिछला रीजन याद करो, पी सी एल फाइव फोर हमने देखा था, एन सी एल फाइव वाला सेम रीजन आ जाएगा आपका। इसी की जब बात करें बेटा हम, ठीक है ना, तो ये काम हो गया बेटा, ये ध्यान रखना। एक कॉमन बात करूं मैं इनकी, तो जैसे कि बेटा हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, बात आती है दो कैटेगरी की, तो ईएक्स फोर कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल में ले लेता हूं एसएफ फोर, बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका? पहले तो हाइब्रिडाइजेशन सोचो, बेटा चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो पांच लोग मिलके आएंगे, तो पांच लोग मिलके आएंगे तो एसपी थ्री डी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगी। इसी तरह बेटा एसएफ सिक्स मतलब ईएक्स सिक्स कैटेगरी का जो है, फॉर एग्जांपल एसएफ सिक्स, इसका शेप हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, शेप इसकी आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ये आंसर है बेटा। इम्पोर्टेंट है, आने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप, शेप बेटा। आ रहा है समझ में? तो जैसे मैं बनाऊँ एग्जाम्पल के लिए एस एफ फोर जैसे बनाया बेटा, तो आपका एस एफ फोर की बात करें तो इस तरह से बनेगा,
एफ एफ ठीक है ना, एक लोन पेयर आएगा देखो इसमें, तो ये एफ एफ और एक लोन पेयर ऐसा, सीसो टाइप का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ऐसे, है ना? सुना है क्या हमने नाम? यस ये बोलते हैं ना, मुझे तो दिमाग भी नहीं आ रहा, यस सीसो बोलते हैं ना इसे, सीसो। यस तो इस शेप को शीशो शेप भी बोलते हैं। और ऑक्टाहेड्रल तो बहुत आसान होता है बनाना, SF6, एस के साथ में 4 SF, एफ 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 और एक ऊपर एफ एक नीचे एफ, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए बेटा। जल्दी कर लो कंप्लीट। डन। यस बेटो, आई होप इतना लिख लिया आपने, कर लिया पूरा? जैसे पी ब्लॉक पढ़ना ही पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस, 70 में से छोड़ना ही फाइन, थोड़ा सा 70 में से तुम 2 नंबर छोड़ देते हो, इट्स स्टिल एक्सेप्टेबल, 35 में से छोड़ना ही ट्रबल है ना, शायद 7 नंबर तक खींचेगा ये, मतलब जो भी 50% जैसे मान लो, तो उसमें अराउंड 6 7 मार्क्स तक खींचेगा ये अकेला चैप्टर, तो थोड़ा ढंग से करें हम, इसीलिए इतने एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं, नहीं तो मैं बोल देता हूँ बेटा कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है, बुक में निशान लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन बेटा, इसका क्वेश्चन आंसर आप खुद घर से ढूंढ के करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, ठीक है ना? देखे दिमाग लगाएंगे क्या कारण हो सकता है इसका, लगा सकते इतना दिमाग तो। यस दिमाग में नहीं तो ढूंढना, देखिए क्या वजह है, लेट्स सी, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अच्छा लगेगा ही। सॉरी, हाँ पृथ्वी बेटा, हाँ तो हमें डाई ऑक्सीजन शुरू करना है, सो सर कंपाउंड। आंसर पता अच्छा नहीं पता क्या? है सर। चलो छोटा सा बता देता हूँ, एच बॉन्डिंग की वजह से होता है ना, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, एच बॉन्डिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच बॉन्डिंग के बेसिस पे आंसर है, तो सोचिए अब। चलो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, डाइऑक्सीजन मतलब O2 के बारे में पढ़ाएंगे, कंपाउंड्स आ गए हैं, जैसा पिछली बार हुआ था, अब जनरल प्रॉपर्टीज फिर कंपाउंड्स, तो वही सब चल रहा है। तो डाइऑक्सीजन सबको बताएं हमें कि क्या रहती है क्या नहीं, तो लेबोरेटरी में बेटा बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे
हमारे पास में प्रिपेयर की जाती है। तो लेबोरेटरी मेथड जैसे हम बात करें, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बुक में भी बहुत सारे दिए हो सकते हैं। मैं वो लिख रहा हूँ जो ज़्यादा काम किया है ना, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिमेम्बर करना है। तो सबसे पहली रिएक्शन आपकी आती है KCLO3। KCLO3 को आप जब हीट करते हो तो बेटा एक KCl+O2 में टूट जाता है। बैलेंसिंग आई एम लिविंग इट टू यू, दिस ब्रेक्स इन KCl+O2 सिंपली। तो एक तो बेटा ये रिएक्शन आ गई जो हमें याद रखनी है, ठीक है। एक क्या होता है, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन से भी बनता है बेटा, है ना। अच्छा हमें आइडिया है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी हमने पढ़ी नहीं है, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेटा ये समझो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बात नहीं की है, बट तुम ऐसा समझो जनरली बेटा एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, AU हो गया, प्लेटिनम हो गया, HG मर्क्यूरी हो गया, एटसेट्रा। तो इनके ऑक्साइड से ऐसा देखने को जनरली मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल Ag2O, ये बेटा टूट जाता है Ag+O2 हीट करने से। तो इस तरह के रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलती है। डन। अच्छा बेटा ऑन लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। हम डिटेल में बात करते हैं, इस चैप्टर में इतनी बात है भी नहीं इस पे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी बनती है, ठीक है ना बेटू। तो जिन बच्चों को पुराना थोड़ा याद हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा बहुत तो सबने पढ़ा हुआ है पुराने टाइम में, तो उसमें O2 और H2 निकलती है। तो एक तरफ O2 एक तरफ H2 अलग हो जाती है। अच्छा ये बेटा इंडस्ट्रियली कैसे बन सकती है, और इंडस्ट्रियली इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी प्रिपेयर किया जाता है। अब ये क्या था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में। आई होप यू रिमेम्बर। नाइट्रोजन बेटा इससे पहले सेपरेट हो जाता है, तो सेकंड नंबर पे जो सेपरेट होता है वो ऑक्सीजन होता है। चलो दूसरी बात बेटा ये बात समझ आ गई। अब देखें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ बात करें बेटा। प्रॉपर्टीज में कलरलेस और ये सब मैं नहीं लिखूंगा, है ना, वैसे काम काम की चीजें लिखेंगे। ये लिख लिया क्या हमने पुराना, लिखो जल्दी से लिख लो।
यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट टू इच पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्टली नहीं लगता क्योंकि सब कुछ पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, फिर पैरामैग्नेटिक कैसे है। तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन एमओडी से होता है जो हम नहीं करेंगे अभी एक्सप्लेन। एमओडी के याद है कि थोड़ा सा धुंधला सा है भी नहीं 12th क्लास में, चिंता मत करो एक्सप्लेनेशन। बट आई एम्स जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा भी याद हो तो बेटा तुम रिलेट कर सकते हो कि ऑक्सीजन जो होता था वो पैरा मैग्नेटिक होता था। आ रही है बात समझ में? Yes, चलो नेक्स्ट बेटा देखें। It reacts with almost all the substances. बेटा लगभग लगभग ये सबसे रिएक्ट कर जाती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, कहने का मतलब यहाँ पे लगभग लगभग सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिएक्ट कर जाती है एक्सेप्ट गोल्ड, प्लेटिनम एंड सम नोबल गैसेज। आप देखोगे आगे चल के कि ये जेनॉन के साथ भी प्रोडक्ट बना देती है बेटा, तो बहुत खतरनाक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बहुत जबरदस्त होती है, ये लगभग लगभग बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ में आपकी रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सबको ध्यान रखना है। बेटा सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड, है ना, सबके साथ रिएक्शन कर लेती है ये। तो मैं एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहा हूँ, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस थिंग बेटा। आ रही है क्या बात समझ में? तो एग्जाम्पल्स अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल बेसिक चीज है। इसके कंबस्शन रिएक्शन भी होती है बेटा, बर्निंग में भी काम आती है, ये तुम हमेशा ध्यान रखना। एक चीज बता देता हूँ, ये बार बार मैं बताते रहता हूँ, एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, इनकी किसी की भी रिएक्शन ओ टू मतलब बर्निंग रिएक्शन होती है बेटा, तो आपका सी ओ टू प्लस एच टू ओ बनता है ऑलवेज। दिस इज ऑलवेज ट्रू irrespective of any exception, ये हमेशा अप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट है। गुड टू गो? यस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बेटा, इनके ऑक्साइड्स मतलब बहुत सारे ऑक्साइड्स देखेंगे हम इस बात पे कि कुछ कुछ ऑक्साइड्स बेटा बनते हैं क्योंकि ऑक्साइड ऑक्सीजन लगभग सबके साथ रिएक्शन करता है ना। तो अब आप बात करते हैं बेटा कहाँ, फटाफट फटाफट तो बेटा एसिडिक ऑक्साइड,
एसिडिक ऑक्साइड जनरली कौन होते हैं बेटा? किसी भी ऑक्साइड के आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ और एसिड बन जाए, ठीक है, उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। सच ऑक्साइड इज नॉन एज एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह बेसिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइक बेस। ऑक्साइड को बेटा वाटर में घोलो तो बेस बन जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। सपोज करो SO2 प्लस H2O, आप देखो ये कंपाउंड बनेगा H2SO3, दिस इज एसिडिक, दिस इज एसिड। इसी तरह बेटा लेट से CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस, दिस इज बेस, दिस इज एसिड। तो ऐसा, तो ये ऑक्साइड कैसा हो गया? बेसिक ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड कैसा हो गया? बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। जनरली बेटा रूल ऑफ थंब क्या है वो मैं ऑलरेडी तुम्हें वैसे पिछले बार बता चुका हूँ, बट फिर से रिपीट कर देता हूँ। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? मोस्टली 99% यही होता है। बहुत बढ़िया। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बिटू आपके एसिडिक, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, मेटल्स ऑक्साइड्स आपके हो जाएंगे बेसिक, और मेटालोइड जो होते हैं बेटा उनके ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक। बहुत बढ़िया। तो ये वापस से रिपीट हो गया है टॉपिक, बट कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट है इसलिए आना चाहिए। सो दिस इज द जनरल रूल, और इनका बेसिस ये है बेटा कि कोई भी ऑक्साइड यदि वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाए तो एसिडिक बोलते हैं, कोई भी ऑक्साइड उससे रिएक्ट करके बेस बनाए वी कॉल इट बेसिक। तो इस तरह से इनको ध्यान में रखा जाता है। तो फटाफट से करो। और कुछ ऑक्साइड दोनों ही काम नहीं करते, तो नहीं करते कुछ ऑक्साइड बेटा, सारे नहीं होते, न्यूट्रल न्यूट्रल हो जाएंगे ना, सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑल्सो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं सबकी कैटेगरी होगी, सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, ये न्यूट्रल भी होते हैं। नोट डाउन करो इसे। बेटा डन लिख लिया हमने। यस सर। जल्दी से कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे ओजोन। अगेन मैं यूज किसी के भी नहीं बता रहा हूँ बेटा, आप सबको पता ऑक्सीजन का क्या यूज है और क्या प्रॉपर्टीज है। सो यूज आई एम स्किपिंग, मतलब मैं सबके बेटा स्किप करते चल रहा हूँ यूज को, तो वो आपको खुद को देखने हैं। ओजोन की बेटा बात करें तो ओजोन का तुम्हें सब पता है कि बेटा खास बात क्या है क्या नहीं है, जनरल बात रिएक्शंस वगैरह देखेंगे। बस आज के क्लास में बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर बता के और फॉर्मूला देख के बेटा अपन एंड करेंगे। तो अगली क्लास में हम ओजोन फैमिली मतलब ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमें हार्डली वन क्लास लगेगा जिसमें हम अपना नाइट हेलोजन और वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उस पर तो कुछ है ही नहीं लास्ट वाली फैमिली में तो कुछ भी। सो O3 अपना क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें, पता है क्या हमें? सॉरी, देयर इज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ओजोन। ये कितने लोगों को पता है?
फिर इसका स्ट्रक्चर फिक्स थोड़ी होता है, नहीं वो ये बॉन्ड इधर उधर। रेजोनेंस में क्या गड़बड़ कर रहा हूँ बेटा, दो बॉन्ड मतलब इसके पास तीन लोन पेयर थे तो यहाँ पे हो गया, इसको इसके साथ बॉन्डिंग करनी है तो ये दोनों में पहले बना रहा था ना इस तरह से बेटा, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, अब चाहे इसको इधर शिफ्ट करो जैसे भी हो, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो ये एरो दिखाने का है, वैसे हम एरो वगैरह दिखाए कोई जरूरी नहीं होता है, आप तो सिंपल ही बना लो, कन्फ्यूज हो जाओगे ना, अभी फिर बॉन्डिंग समझानी पड़ेगी। अब आपके ये बॉन्ड्स बेटा स्विच होते रहते हैं तो ओजोन का अनस्टेबिलिटी भी होती है ना, ओजोन ऐसा नहीं है कि स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, और ओजोन आपका बहुत सारी रिएक्शंस करवाता है, ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में भी काम करता है, सुना है ना। एनीवे यदि नहीं भी सुना तो दैट्स फाइन बेटा। तो अब यहाँ से हम आगे चलते हुए अपकमिंग क्लास में बेटा ओजोन, ओजोन के बाद सल्फर, सल्फर के सल्फर डाइऑक्साइड और H2SO4 और कुछ ऑक्सो एसिड, बस इतना सा पार्ट बचेगा अगली क्लास में इसके लिए हमारे पास। तो दो तीन टॉपिक है जो इस ग्रुप को खत्म करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द 17th ग्रुप। 17th ग्रुप शुरू कर देंगे, शायद अगली क्लास में शुरू हो जाएगा, और अगली क्लास में शुरू हो गया तो फिर तो एक दो क्लास में मतलब हम इजीली चैप्टर को कवर कर लेंगे बेटा इसको। तो पढ़ाई करें हम साथ में, याद करें बेटा, लर्न करें, और जो भी कोई क्वेरी है साथ में बुक के क्वेश्चंस भी कर लो एग्जाम्पल्स, आप इसके साथ साथ उनको गो थ्रू कर लो कि क्या हम आंसर कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे उनको लर्न करो, दैट्स द ट्रिक विच वी हैव टू फॉलो इन दिस चैप्टर। ओके थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर।